रंगे हाथ पकड़ लिया, ये भी देखो अतनंगे। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज जोहान खान, यू वाचिंग जोहान ब्लॉग। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, आज मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा और देखूंगा, चोरी छुपे जाऊंगा, पता चलेगा कि वो करता क्या है लॉकडाउन में। गया तैयार तो फिर गैलरी पे पीने का मजा ही कुछ और है, लेकिन उससे पहले इसके साथ रस ट्राई करेंगे। तो ये रहा मेरा रस और ये क्या चाय के अंदर, और अब ये क्या मेरे मुंह के अंदर। अभी मैं जिसके घर जाने वाला उसका भी कॉल आया था थोड़ी देर पहले ही, उसने मुझे बोला कि पबजी की तेरे को हैकिंग भेजी है, मैंने नॉन रूट की, तो उसने बोला ट्राई कर जरा खोल के। मैंने बोला नहीं रहने दे, अभी नहीं करूँगा ट्राई, बाद में करूँगा। तो अब उसको पता नहीं कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, लेकिन अभी उसके घर जाऊँगा तो उसे वहीं पर बोलूँगा कि तू ही बता दे भाई कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर उसके घर पर मिलते हैं, ठीक है आगे इसको तब। इस घर से तो बाहर आ गया, तो अब जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, लेकिन अब मास्क बहुत ज़रूरी, पहले मास्क लगा लेना चाहिए मुझे, तो मास्क लगा लिया। मास्क बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी नहीं है, ये परिवार की सेफ्टी और आसपास के लोगों की सेफ्टी है, तो सबके बारे में सोच के चलना पड़ता है, ठीक है। तो माहौल कुछ ऐसा है कि अभी पूरा सन्नाटा सा हो रखा है, दिखाऊँ कैसा है, देखो पीछे का रोड मेरा तो बिल्कुल सन्नाटा है, ठीक है। इतना भी वो नहीं है मतलब कि ज़्यादा बंदिश दे रखी हो, मतलब काफ़ी हद तक छूट दे रखी है, लेकिन फिर भी है तो खाली ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में बहुत ही कम इंसान बचे हैं, फीलिंग ऐसी आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बीमारी तो बीमारी है, थोड़ा बहुत तो कोऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे भी काफ़ी दिन हो गया था घर में बैठे बैठे, बंद था काफ़ी दिनों से, तो सोचा कि आज थोड़ा दोस्तों से मिल लिया जाए, काफ़ी दिनों से याद कर रहे हैं, तो थोड़ा मिल लेंगे और थोड़ी खुशी भी आ जाएगी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा, तो बस इसलिए। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं कोरोना को अवॉइड कर रहा हूँ, उस पर भी ध्यान रखूँगा पूरा, क्या हो कुमार कॉलोनी की तरफ, तो यहाँ पर मिट्टी हो गई, जितने भी सामान होते हैं मटके वगैरह गुल्लक ये सारी चीज़ें बनती है, मतलब दिया वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ यहीं पर बनती है। तो इस इलाके की एक बात है, यहाँ गर्मी बहुत रहती है, कि यहाँ पर पूरे दिन भट्टियाँ जलती रहती है, तो ये रीज़न है, ठीक है। यहीं से उसका घर भी है, इसी के आसपास वो भी रहता है, पता नहीं, लेकिन उसका इलाका थोड़ा ठीक है, उतनी गर्मी वहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि यहीं तक है बस, ठीक है। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब ब्लॉगिंग का जो मेरा जो टॉपिक रहता था, वो ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेस का होता था, तो अब मैं टूरिस्ट प्लेस पर तो कहीं जा नहीं सकता, सब कुछ बंद ही है, छुट्टी होते हुए भी मैं बिल्कुल बंदिश में हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैंने सोचा थोड़ा रेगुलर ब्लॉगिंग ट्राई करता हूँ, क्या पता मैं अच्छे से कर पाऊँ, तो अभी शुरुआत करिए, अगर होता है तो करता रहूँगा रेगुलर, वरना फिर से वही कंटिन्यू करूँगा, अगर लॉकडाउन खुलेगा तो कोशिश करूँगा टूरिज़म प्लेस की बनाऊँ। तो अब तक मैं वहाँ से काफ़ी दूर तक चल के आया हूँ, मतलब 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो बस मैं उसके घर पहुँचने वाला हूँ, एक गली दूर है उसका घर, तो उसके घर में पहले मैं एंट्री नहीं करूँगा, पहले मैं आपको दूर से दिखाऊँगा वो कर क्या रहा है, ठीक है। उसके घर अब घर चल रहे हैं, तो अभी मैं उसके घर पर आ चुका हूँ, तो अभी मैं रोहन पुद्दार के घर पे आ गया अपने दोस्त के, तो उसको तो पता नहीं है, ठीक है। उसकी बहन ने मुझे देख लिया था चोरी छुपे, लेकिन मैंने उसको बोला भाई बताइए मत, ठीक है। तो अभी जस्ट पहले जूता उतार लेते हैं, ठीक है, एक तो अभी देखते हैं अंदर क्या कर रहा है, ठीक है, मैं बैक कैमरे से दिखाऊँगा आपको। तो देख सकते हैं आप, वो अभी पबजी खेल रहा है, तो भाई मेरा पबजी खेल रहा है, देख सकते हो अंधेरे में बिल्कुल दिक्कर में बैठा हुआ है लौंडा, पबजी की रंगे हाथ पकड़ लिया, बिना कपड़े का भी मुझे मार रहा, देख रहे देख क्या कर रहा है, देख सकते हो। तो ये लौंडा देखो ऐसी बैठ के पबजी खेल रहा है, बिल्कुल मजे में, उसको खबर ही नहीं इसके साथ हो क्या रहा। तो भाई साहब बिल्कुल ही कपड़ों का पता नहीं, बस पबजी में लगे पड़े हैं भाई। तो चलो फिर अब आगे थोड़ा बैठते हैं, मिलते हैं लौंडे से। तो भाई के घर पे आया हूँ, इसने मुझे बोला कि पबजी का हैक बताएगा मुझे, ठीक है। तो कुछ कोडिंग है, कुछ हैकिंग है, तो मुझे सिखाने वाला है पबजी में कैसे हैकिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। तो भाई साहब कुछ बताओ, जैसे देख रहे हो जी, सर ब्लैक ब्लैक लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, सब कॉन्करेंट प्लेयर बनने वाले हैं बहुत जल्दी, तो इसको प्लीज़ फॉलो करो पबजी पे, आरपी के नाम से लौंडे का, ठीक है, ज़रूर फॉलो करना है इसे। ब्लैक ब्लैक कैसे होगा,
तो अभी मैं थोड़ा सीख लेता हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद बात करता हूँ, फिर चलेंगे अपने दूसरे लौंडे के घर, फिर वहाँ पे मिलेंगे उससे, ठीक है। तो वीडियो में लाइक करो, जाना मत छोड़ के बने रहो, रुक जाओ अभी। अब हम घर से निकल गए, ये लौंडा तैयार हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले इसकी हालत तुमने देखी थी किस तरीके से लेटा था बेशर्मी से, ठीक है। तो अब जा रहे हैं एक मोटे के घर, उसको हम मोटा कहते हैं प्यार से, ठीक है। है तो वैसे वो पक्का बिहारी, ठीक है, हम भी बिहारी है, बिहारी है, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा वाला बिहारी है, ठीक है। तो वो पता चल जाएगा उसके शक्ल देख के, आप समझ जाओगे किस तरीके का है, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं उसके घर, तो अब उससे मजे लेंगे। लौंडा पबजी खेल रहा था, हैकिंग की ट्रिक बता रहा था, तो इसने मुझे बहुत सारी ट्रिक बताई। हैकिंग में डाल दूंगा भाई, वीडियो देख लेना। और फाइल भी दे दी इसने मेरे को, फाइल दी है, बोला अपडेट कर ले भाई, उसमें डाल ले फाइल, इंस्टॉल कर ले, तू भी हैकिंग करने लग जा। और सही में बहुत तगड़ी हैकिंग बताई इसने, 18 किल 19 किल यूं होंगे चुटकी में, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करा अभी मैंने, दिखाया उसके लिए। तो वो सीक्रेट चीज़ है, वो ये शेयर नहीं करना चाहता अभी, कह रहा है कुछ टाइम हम ट्राई कर लेते हैं फिर शेयर कर लेंगे। तो ये बता देगा कुछ टाइम बाद, जब दूसरे इसको हैकिंग आ जाएगी तो वो वाली ये पब्लिक कर देगा। तो बता कैसा रहा इतने दिन, काफ़ी दिन बाद मिल रहे हम भाई। एक दिन आया था मेरे घर, मैंने इसको बोला चल निकल, भगा दिया आधे रास्ते से ही, कह रहा घर तक छोड़ दे मेरे को भाई, झूठ बोल रहा है। इसको मैंने भगा दिया आधे रास्ते से ही। भाई को कैमरे पे आने की आदत नहीं है, कह रहा है अबे क्या कर रहा रोड पे ऐसे कैमरा खोल के, इसको आदत नहीं है। मैंने बोला शर्मा मत, बोल दे कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना लंबा है कि इसके चक्कर में मुझे कैमरा थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा उठा के, इसकी हाइट ही कुछ ज़्यादा खींच गई है। हमारे साथ था, पता नहीं कहाँ चला गया, हम ही रह गए। तो इस नमूने के घर पहुंच गए, यानी हमारे मोटे भाई के घर पहुंच गए। तो उसका पहले तो हमें बैल बजाना है, तो लौंडे का ये वाला बैल है। अबे बस बस, ये तो ठोके ही जा रहा है बैल पे। गेट खोल ले। तो लौंडे ने गेट खोल दिया, अब देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। काफ़ी अंधेरा कर रखा है लौंडे ने। लौंडे घर आ गए, मैं अपने दोस्त के घर पहुँच गया। ये मेरा दोस्त नहीं, ये जो दोस्त का छोटा भाई है, और ये उससे बड़ा भाई है, और एक सबसे बड़ा वाला जिसे मिलना है वो अभी दो नंबर कर रहा है। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे घर में बैठ के, फिर जब आएगा तब मैं आपको उससे ही मिलवाऊंगा, ठीक है। तो ताज़ा खबर, एक महान पुरुष है जो क्या कर रहे हैं, अरे भैया ये भी देखो अतरंगे अतरंगे खड़े हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, चेहरा दिखाई दे रहा, ब्रश कर रहे हैं। वाह वाह, टाइम हो रहा है शाम के, बज गए 7 और लौंडे की अभी हुई है सुबह, देख रहे हो अभी बंदा ब्रश कर रहा है। अब इसके बाद क्या, चाय पिएगा, अब चाय पिएगा, फिर उसके बाद इसकी सुबह होगी। थोड़ी देर पहले इसके घर गए थे, ये कच्चे में परिवर्तित हुए भाई साहब, बहुत जल्दी नज़र आए। स्पेशल चाय बन के आई है, इसके भाई ने बनाया है, ये तो शर्मीला है इसकी ऐसी तैसी। तो ये भाई ने बना के लाया, दोनों छोटे भाइयों ने मेरे बना के लाया चाय, ठीक है। तो थोड़ा इन्जॉय करते हैं, पी के देखते हैं भाई की चाय हाथ की अच्छी लगेगी। ये देखो ये तो सबसे पहले पिएगा हफ्सी। आपको कहा था कि ये जो मेरा दोस्त है बिहारी है, तो इसके स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा कितना बड़ा वाला बिहारी है। इसकी स्टाइल में चाय पीने का तरीका भी ऐसे पौआ पी रहा हो, ठीक है। तो आप देख के ही समझ रहे होंगे सकल बाल और पीने का तरीका। भाई शाम हो चुका है, तो अब मैं घर जा रहा हूँ। ये दोनों मुझे छोड़ने जा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इनको डर है कि मुझे पुलिस वाले कूट ना दे, पर मैंने इसको बोला कूटेंगे नहीं, पर फिर भी चल लो छोड़ने के लिए, तो छोड़ने जा रहे हैं। ये नमूना चेहरा तो दिखाया नहीं, अभी मास्क लगा रखा है, दुखाई है इसकी, बात ही छोड़ो, ठीक है। तो फिर अभी जाएंगे, अभी फिर पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि कल तो फिर लॉकडाउन का टाइम है। तो अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो, सभी को बोलना चाहूँगा। और उसके बाद वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई को पीटना अगर तुम्हें कभी दिखे तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।